नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रामपुर की थाना बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनोवा गाड़ी से 5 लोगों को 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 12 कारतूस सहित किया गिरफ्तार। कोई बड़ी योजना बनाने का था इन पांचों का प्लान। पुलिस ने साजिश को नाकाम कर पांचों को अवैध असले का साथ गिरफ्तार कर घटने का खुलासा किया है। फिलहाल इन सभी पर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया जाएगा। इस घटना के बारे में CO बिलासपुर ने जानकारी दी। रामपुर की थाना बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनोवा गाड़ी से 5 लोगों को 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 12 कारतूस सहित किया गिरफ्तार। कोई बड़ी योजना बनाने का था इन पांचों का प्लान। पुलिस ने साजिश को नाकाम कर पांचों को अवैध असले के साथ गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। फिलहाल इन सभी पर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया जाएगा। इस घटना के बारे में CO बिलासपुर ने जानकारी दी है। GBN 24 न्यूज़ के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। ये अवैध असले की फैक्ट्री बरामद हुई, ये कहां से बरामद हुई, कितने लोग पकड़ेगा? देखिए, ये कांवड़ को लेकर के जो पूरे जिले में जो हाई अलर्ट घोषित है और जिस प्रकार से सभी जगहों पर हम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है, उसी क्रम में बिलासपुर पुलिस द्वारा मंडी 0 पॉइंट के पास बाईपास रोड से एक संदिग्ध इनोवा कार को इंटरसेप्ट किया गया और उस कार को रोक के उसमें बैठे गए व्यक्तियों को चेक किया गया, तो उनमें से 5 व्यक्ति मिले कार में, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचा और 1 चाकू बरामद हुआ। ये सभी व्यक्ति शीशगढ़, बरेली और रुद्रपुर जो हमारा बॉर्डरिंग जिला है उधम सिंह नगर का, वहाँ के निवासी हैं और बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं। पहले भी अपराध में जेल जा चुके हैं। ये यहाँ क्यों आए थे, क्या करने आए थे, संबंध में गहन छानबीन की जा रही है।